स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बाजू कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स की एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 1 को। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 को समझने से पहले कुछ हमें बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि डेसिमल के किधर मूव करने पे पावर पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, या फिर इन क्वेश्चन का आंसर में बच्चों का अक्सर गलत रहता है। ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं, तो हम आपके उस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर देंगे। बस बने रहिए आज कोचिंग क्लासेस के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर दें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से हमारे वीडियो से जुड़ सके। चलिए भाई, पहले समझते हैं कुछ बेसिक चीजें। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने राइट कर दिया यहाँ पे 10। ओके, तो 10 राइट रहने दीजिए। 10 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इक्वल्स 10। फिर अगर हम लोग राइट कर दें 100, तो 100 को राइट किया जा सकता है 10 into 10। एग्री करते हैं ना आप लोग? क्या कर सकते हैं भाई, 100 को राइट कर सकते हैं 10 into 10, है ना। इसके बाद अगर हम 1000 की बात करें तो इसको लिखा जा सकता है 10 into 10 into 10। राइट कर सकते हैं या नहीं राइट कर सकते बताइएगा जरूर। क्या देखा हमने, 10 को 10 ही राइट कर सकते हैं, 100 को 10 into 10, क्योंकि 10 tens 100 होता है। उसके बाद आते हैं 1000 में, तो देखिए 1000 को लिख सकते हैं 10 into 10 into 10। अगर यहीं पे 10,000 हो जाता, ध्यान लगा के केवल आप इसको समझते रहिएगा, गारंटी है इस बात की कि जैसे ही आपका बेसिक थोड़ा सा फिनिश होगा, सभी क्वेश्चंस आपको चुटकियों में आने लगेंगे, डायरेक्ट आप लोग आंसर उसके बताने लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं 10 into 10 into 10 into 10। अब देखिए भाई, हम लोगों ने एक चीज पढ़ रखी है कि जो नंबर जितनी बार रिपीट होता है उस नंबर की पावर उतनी ही हो जाती है। ये बात हम लोगों ने पढ़ रखी कि नहीं पढ़ रखी है भाई? तो देखिए 10 यहाँ पे 1 टाइम आया है, तो इसको लिख सकते हैं 10 to the power 1। यहाँ पर 10 2 टाइम्स आया है, तो राइट कर सकते हैं 10 to the power 2। यहाँ पर 10 आया है 3 टाइम्स, तो राइट कर सकते हैं 10 to the power 3। और यहाँ पर 10 आया है 4 टाइम्स, तो इसको राइट कर दिया 10 to the power 4। किया क्या स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 10 को 10 लिखा रहने दिया, 100 को लिख दिया 10 into 10, 1000 को 10 into 10 into 10, 10,000 को 10 into 10 into 10 into 10। तो ये हो गया 10 to the power 1 से 10 to the power 4 तक। अगर हम इस बीच की चीज को ना समझें, मतलब इस चीज को इग्नोर कर दें, तो डायरेक्टली हम लोग क्या समझ सकते हैं कि 1 के बाद जितने भी जीरो होंगे 10 की उतनी ही पावर हो जाएगी। क्या नहीं कह सकते? देखिए बोर्ड में, देखिए यहाँ पे 10 था, 1 के बाद सिर्फ 1 जीरो था, इसलिए 10 to the power 1 हो गई। यहाँ 1 के बाद 2 जीरोस थे, तो 10 to the power 2 हो गई। 1 के बाद 3 जीरोस थे, तो 10 to the power 3 हो गई। 1 के बाद 4 जीरो थे, तो 10 to the power 5 हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे 100,000 होता, 1 2 3 4 5, तो एग्जैक्टली हम लोग इसको कह सकते थे 10 to the power 5। इतने में किसी भी स्टूडेंट्स को अगर डाउट हो तो साथ में कमेंट भी करते जाइएगा, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर ग्रो करते हैं वैसे ही हम लाइव आना स्टार्ट कर देंगे। लाइव सेशन में हम आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया करेंगे तुरंत ही, है ना। आपको मेरे कमेंट का वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत ही उसी वीडियो में ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप लोगों को सपोर्ट हमें नहीं मिलता। सपोर्ट क्या चाहिए? आप लोगों को हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करते रहना कंटिन्यूअसली। ओके, अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम लोग राइट कर दें यहाँ पे 30, तो इसको लिख सकते हैं 3 into 10। ओके, इसके बाद में अगर लिखते हैं हम लोग 300, तो राइट कर सकते हैं इनको 3 into 100। कोई डाउट तो नहीं है ना? जिस जगह पे डाउट है स्टूडेंट्स, उसी जगह वीडियो पॉज करिएगा, तुरंत कमेंट करिएगा। ओके, देखिए ये हो जाएगा 3 into 100। अगर हमने यहाँ राइट किया है 3000, तो ये हो जाएगा 3 into 1000। ओके, इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और एक देख लीजिए, अगर आपने यहाँ राइट कर रखा है 30,000, तो ये हो जाएगा 3 into 10,000। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ? अब देखिए भाई, 3 को हमने 3 लिखा रहने दिया, इंटू 10, मैंने कहा था कि 10 को हम लोग 10 to the power 1 राइट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 into 100 में 2 जीरोस है ना, और हमें पता है जब 2 जीरोस थे तो हमने 10 के पावर 2 लिख दिया था। इसके बाद देखिए भाई, 1000 को राइट कर सकते हैं 10 to the power 3। इसके बाद देखिए 3 into
यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जीरोस हैं, तो इसको राइट कर सकते हैं 3 × 10⁴। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये बात और ये वाली बात दोनों अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट तो नहीं रहा ना। अच्छा भाई, अब इसके बाद देखते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हम आपसे कहते हैं मल्टीप्लाई आपको कराना है भाई, कैसे देखिए 3.4 था, ठीक है भाई, हमने इसमें कहा आप 10 का मल्टीप्लाई करा दो, तो आपने 10 का मल्टीप्लाई कराना बहुत आसानी सीखा होगा, क्या करते थे भाई, ये जो लास्ट में जीरो होता था ये जीरो पुट कर देते थे और 1 का मल्टीप्लाई कराते थे, तो हो जाएगा 1 × 4 = 4 और 1 × 3 = 3। इसके बाद क्या देखते थे कि जो डेसिमल है वो 1 डिजिट पे लगा हुआ है, तो राइट साइड से 1 डिजिट हम लोग देख के यहाँ पे डेसिमल लगा देते थे। और हमें एक बात और पता है कि पॉइंट के बाद के सिर्फ जीरो नहीं माने जाते, नहीं कंसिडर किए जाते, इसलिए हम लोग इसको राइट कर देते थे 34। स्टूडेंट्स ये जितनी हम आपको बातें बता रहे हैं सभी के सभी इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली हैं। अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया तो आगे के सारे वीडियोस आपको क्लियर हो जाएंगे और कभी भी आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसलिए बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर इस वीडियो को देखिए और साथ में नोट्स भी बनाते जाइएगा जिससे कि आप लोगों को रिविजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद देखिए ये जो हम छोटी छोटी सी बातें बता रहे हैं ना आपको, इससे भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी हम लोगों की। देखिए जैसे हमने राइट कर दिया 3.14, इसमें हमने कहा भाई अब 100 का मल्टीप्लाई करा दो, कह दिया ना, तो इसमें आप क्या करेंगे, 2 जीरोस के यहाँ कॉपी कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 × 4 = 4, 1 × 1 = 1, 1 × 3 = 3। आप क्या करेंगे 1, 2 डिजिट में डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो आप तो जानते ही हैं कि पॉइंट के बाद के सिर्फ जीरो कंसीडर नहीं किए जाते, तो इसको राइट कर दिया गया है 314। ठीक है, एक और देखते हैं भाई, 3.146 × अब की बार हमने मल्टीप्लाई करा दिया 1000 का, तो क्या हो जाएगा भाई, 3 जीरोस यहां पे आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे 1 × 6 = 6, 1 × 4 = 4, 1 × 1 = 1, 1 × 3 = 3 और 1, 2, 3 डिजिट में हमने डेसिमल लगा दिया, तो ये हो जाएगा 3146। यही करते थे या नहीं करते थे स्टूडेंट्स, करते थे ना, पक्का श्योर। चलिए भाई अब इसके बाद देखते हैं कि हमने यहाँ से क्या सीखा, तो हमने यहाँ से सीखा स्टूडेंट्स कि देखिए जब यहाँ पर डेसिमल था, यहाँ पर डेसिमल था, यहाँ पर डेसिमल था, तो हमने सभी जीरोस को हटा दिया और डेसिमल भी हट गया क्योंकि लास्ट में बचा था, तो लास्ट में डेसिमल को यूज नहीं होता। तो इसके अगर हम लोग रिवर्स प्रोसेस को समझें तो एक बात कह सकते हैं कि इन सभी नंबर्स के लास्ट में डेसिमल होता है या नहीं होता है भाई, आपको सामने दिखना चाहिए कि देखिए पॉइंट है, देखिए 6 के बाद में यहाँ, 4 के बाद में यहाँ, 4 के बाद में यहाँ, मतलब है हर नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। ये बात यहाँ से क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है, अभी बहुत यूज में आने वाली है सभी जगहों पर, और एक बार अगर आप सीख गए तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने यहाँ देखा कि डेसिमल हर नंबर के लास्ट में होता है या कंसीडर किया जा सकता है, इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आप लोगों को। ओके स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में और इसको समझते हैं इस बात को। देखिए 10 को हम लोग 10⁻¹ राइट कर सकते हैं कि नहीं राइट कर सकते, 1 क्लियर दिख रहा होगा वैसे आपको, ये 1 लिखा हुआ है हटा ही देते हैं, ये हो जाएगा 1। ओके स्टूडेंट्स देखिए जहाँ पे 100 है तो इस 100 को आप 10⁻²  राइट कर सकते हो कि नहीं, ये हमने इसको राइट कर दिया 10⁻². इसके बाद देखिए भाई यहाँ पर 1000 और 1000 को राइट कर सकते हैं 10⁻³, तो हमने इसको राइट कर दिया 10⁻³, इतना राइट कर दिया फ्रेंड्स। अब आप एक बात क्लियर समझिएगा, अगर हम इसको ऐसे हटा दें, मान लीजिए हमने इसको ऐसे हटा दिया भाई, हटा दिया भाई, इतना क्लियर हो गया ना। अब देखिए हमारे पास ये नंबर्स गिवेन होंगे, ये वाले नंबर्स, और हमसे कहेगा उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो देखिए आपको पता भी नहीं चला और आपने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर दिया, आपको पता चला क्या, मैंने आपसे बताया ही नहीं कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर रहे हैं, आप भी बिल्कुल वैसे ही देखते गए जैसे आप लोग मल्टीप्लाई सीख रहे हैं। देखा आपने कितने आसानी से हम लोग सीख गए, 34 को राइट कर दिया जा सकता है 3.4 × 10⁻¹, 314 को 3.14 × 10⁻², और 3146 को 3.146 × 10⁻³, और ऐसे स्टूडेंट्स हमें सभी को राइट कर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। एक बात याद रखिएगा कई बार नाम बदल देता है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका नेम दिया हुआ है इसको कई बार साइंटिफिक फॉर्म दे देता है,
साइंटिफिक फॉर्म या नोटेशन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म कह दे या साइंटिफिक फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन कह दे, मतलब सभी का एक ही होता है। तो यहां से हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, क्या आखिरकार ऐसा क्या किया हम लोगों ने? ये तो भाई हम लोगों ने ऐसे खेल खेल में लिख दिया, हमें थोड़ी पता था हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म राइट कर रहे हैं, लेकिन देखिए कितनी आसानी से आप लोग सीख गए ना। लेकिन हमें अब स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर और डीपली समझना है तो अब जो मैथमेटिशियन ने रूल्स बनाए रूल्स को समझना है, रूल्स सभी के सभी आपके सामने हैं। तो पहला रूल क्या हो गया भाई कि हमें कोई भी अगर नंबर साइंटिफिक फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि उसके वन डिजिट को छोड़कर डेसिमल आपको पुट करना है। आपने देखा 3.4 रहा हो, 3.14 या 3.146 हो, उन सभी में देखिए वन डिजिट के बाद में डेसिमल अप्लाई किया गया है, डेसिमल लगा दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ। अब समझते हैं इस डेफिनेशन को जो साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बुक में बताई गई है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं उसको। देखिए स्टूडेंट्स, जो स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन बोली गई है उसको समझते हैं भाई। उसने कहा है कोई भी नंबर जिसको हम लोग m इंटू 10^n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे वो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्या देखा कि कोई भी नंबर अगर हमारे पास गिवन है और अगर हम लोग उसको m इंटू 10^n की फॉर्म में लिख देंगे तो वो नंबर साइंटिफिक फॉर्म में मानी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए 10 की फॉर्म में तो हम लोगों ने राइट कर दिया है। अब m के लिए भी स्टूडेंट्स एक उसने कंडीशन दे रखी है कि जो m की वैल्यू होनी चाहिए वो 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, मगर 10 से लेस होना चाहिए, 10 से लेस होना चाहिए। 10 से लेस होने का मतलब है कि वो 9.99 तक हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को अगर ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग को इतना मान लें कि जो भी m यहां पे होगा, क्या जो भी m यहां पर होगा उसमें हमें ऐसा नंबर लिखना है कि उसके वन डिजिट बाद में ही डेसिमल लगा दें। हम क्या करें, वन डिजिट के बाद में ही डेसिमल लगा दें। यहां पे देखिए कोई भी नंबर उठा लीजिए, 3.4, 3.14, 3.146, तीनों ही 10 से स्मॉलर है लेकिन 1 से ग्रेटर है या नहीं है। तो आप लोग अगर इस पे फोकस नहीं कर पा रहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोगों को बस एक काम करना है, कोई भी नंबर हो उसमें आफ्टर वन डिजिट डेसिमल पुट कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, वैसे ही वो नंबर इस कंडीशन में लाई कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं अभी तक आपको 60-70% मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो बचा हुआ 30-40% है वो जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना आप लोगों को पूरी तरह से 100% क्लियर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक बात और समझेंगे और उसको हमें ऊपर राइट करना पड़ेगा। अगर कह दिया जाए राइट टू लेफ्ट डेसिमल के लिए, भाई डेसिमल के लिए बहुत काम आने वाली बात है ये, कि अगर कोई डेसिमल राइट साइड से लेफ्ट साइड में आता है तो जो इसकी पावर होगी या 10 की जो पावर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत काम आएगी। और अगर हम लोग लेफ्ट से राइट भेज रहे हैं डेसिमल को, कहां से भाई लेफ्ट से राइट भेज रहे हैं, तो जो उसकी पावर होगी वो निगेटिव हो जाएगी। बस इतनी सी बात थी और इतना सा बेसिक था, इतने से बेसिक से ही एक्सरसाइज क्लियर हो जाने वाली है स्टूडेंट्स। तो क्या देखा, राइट से लेफ्ट आएंगे तो पावर पॉजिटिव होगी और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पावर निगेटिव होगी। मतलब राइट से लेफ्ट जाने का मतलब क्या, डेसिमल को अगर राइट से लेफ्ट लेकर आते हैं, राइट लेफ्ट आपको बता दें स्टूडेंट्स, जैसे हम ऐसे खड़े हो जाएं तो देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये मेरा राइट हैंड हो जाएगा। मतलब हुआ किसी डेसिमल को इस साइड से इस साइड लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर किसी डेसिमल को लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। बस इतना समझना था। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो आप लोग स्टूडेंट्स इतना तो समझ ही चुके हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब साइंटिफिक फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन होता है। फर्स्ट पार्ट को स्टूडेंट्स बाद में कवर करेंगे, पहले कवर करते हैं सेकंड पार्ट को, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट को, क्योंकि सेकंड पार्ट से आपको क्लियरली समझ में आने वाला है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स देखिए 3, 5 और इसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरोस हैं, 1, 2, 3, 4, 5। और स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीख लिया है कि अगर ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 35 इंटू
वन, वन के बाद में कितने जीरो हैं भाई, वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव, कितना भी हम लोगों ने सीख लिया था ना। अब देखिए भाई क्या करेंगे हम लोग, इसको राइट कर देंगे 35 इंटू, हमने बताया था वन के बाद में जितने जीरो आते हैं 10 की पावर उतनी ही हो जाती है, तो 10 की पावर हो जाएगी यहाँ पे 5, ठीक है। अब इतना तो 10 की पावर में तो आ गया भाई, लेकिन रूल में एक कंडीशन थी स्टूडेंट्स, उसने क्या कहा था कि ये वैल्यू जो वैल्यू होनी चाहिए इसमें वन डिजिट के बाद में डेसिमल होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स जरा इसे यहाँ पे साइड में बता रहे हैं आपको, अभी जब हम लोगों ने यहाँ सॉल्व किया था 3.4 इंटू 10 तो आया था 34.0, जिसके लिए मैंने कहा था कि किसी भी नंबर के लास्ट में डेसिमल कंसीडर किया जा सकता है, हम लोग डेसिमल यहाँ कंसीडर कर सकते हैं ना, तो अगर कंसीडर कर सकते हैं तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि डेसिमल जो होना चाहिए वन डिजिट के बाद यहाँ होना चाहिए। हम लोग कितना किसका आ रहे हैं देखते रहे भाई, इधर से ऐसे ये वन डिजिट ला रहे हैं ना, किधर से ला रहे हैं, देखिए ये मेरा राइट हैंड है तो राइट से ला रहे हैं लेफ्ट में, राइट से लेफ्ट में जा रहा है, मैंने कहा था जब राइट से लेफ्ट में जाते तो पावर पॉजिटिव होती है, 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। तो अगर हम इसको लिख दें 3.5 तो ये हो जाएगा 10 to the power 1, क्योंकि 1 स्टेप इधर आया है ना, इसलिए 10 to the power 1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3.5 इंटू 10 to the power 1, और ये पहले से लिखा हुआ था 10 to the power 5। ओके स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। अब देखिए हमें पता है अगर बेस सेम है, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली दीजिएगा 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10 to the power 6। अब देखिए स्टूडेंट्स कितने स्टेप खर्च किए हमने, 1 2 3 4, हम आपको अभी 1 से लेकर 6 तक ऐसे ही 5 6 स्टेप में ही एक्सप्लेन करेंगे, और जैसे ही क्वेश्चन फिनिश होता है हम इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा आपको केवल एक स्टेप में सॉल्व करके दिखाएंगे, तो आपको ये लगेगा कि डायरेक्ट आंसर आ रहा है, लेकिन उसके पहले आपको ये पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर थर्ड को, पार्ट नंबर थर्ड क्या कह रहा है ये स्टूडेंट्स लास्ट में ही बताएंगे आपको। 273 123, 3 जीरोस हो गए, क्या लिख देंगे स्टूडेंट जल्दी से बताइए भाई, बताइए बताइए क्या हो जाएगा, 273 इंटू 1 के बाद में 1 2 3, 3 जीरो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे भाई, इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। और हमने सीखा है कि इसको हमें 10 की पावर में लिखना होता है, तो हम लोग इसको पहले 10 की पावर में लिख देंगे, जीरो कितने हैं 1 2 3, तो इसको सीधा लिखा जा सकता है 10 to the power 3, इतना क्लियर हो गया। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो नंबर हमें डेसिमल यहाँ पे लगाना, तो हम इसको साइड में कर लेते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है 273, इसके लास्ट में हम लोग डेसिमल कंसीडर कर सकते हैं, और डेसिमल हमें लाना कहाँ है, इस जगह पे लाना है, मतलब तो यहाँ से उठा के इसको इस जगह पे लाना है हमको, लाने के लिए लाना। तो देखिए कहाँ से आ रहा है, ये हो गए राइट साइड पे, राइट हैंड है ना, राइट हैंड से लिखते हैं हम, राइट से लेफ्ट डेसिमल कहाँ से ला रहे हैं भाई, राइट से लेफ्ट ला रहे हैं, तो हमने लिख रखा है कि राइट से लेफ्ट लाने पे पावर पॉजिटिव आएगी, कैसे आएगी भाई, पावर पॉजिटिव आएगी, तो हम लोग इसको लिख देंगे 2.73 इंटू 10 की पावर कितनी पॉजिटिव आएगी, जितने स्टेप हम लोग खिसके होंगे, जितने स्टेप हम लोगों ने मूव किया होगा, कितने स्टेप आए, देखिए वन डिजिट ये 2 डिजिट मूव किए ना, यहाँ पे आ जाएगा 10 to the power 2, ये हो जाएगा बच्चों 2.73 इंटू 10 to the power 2, और देखिए 10 to the power 3 पहले से लिखा हुआ था, ये हो जाएगा 2.73 इंटू 10 to the power, कितना हो जाएगा भाई, ठीक है बेस सेम है दोनों के, यहाँ भी 10। और मैंने बताया था एक्सरसाइज 2A में कि अगर बेस सेम होती है और मल्टीप्लाई कराना है तो पावर्स को ऐड कर दीजिए, 3 और 2 कितना हो जाएगा भाई 5, और ये हो जाएगा इसका आंसर, इतना क्लियर हो गया, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होता जाएगा आपको। अब आते हैं स्टूडेंट्स इसके फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे गिवन है 168 और जीरो कितने हैं भाई, देखिए यहाँ पे 2 2 4 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, तो क्या राइट कर देंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 168 इंटू 1 के बाद कितने जीरो, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 राइट कर दिया। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हम इसको राइट कर देंगे 168 इंटू, यहां पे हो जाएगा 10 to the power 6, कोई डाउट नहीं है ना, जिस समय डाउट हो स्टूडेंट तुरंत कमेंट करिएगा। इसके बाद देखिए हमें अब इसको राइट करना है कैसे, कि 1 के बाद डेसिमल लगाना, हमने फिर से इसको साइड में राइट किया 168, लास्ट में डेसिमल कंसीडर किया, डेसिमल हमें लाना इस जगह पे, इस जगह पे डेसिमल लाना है, यहां से उठा के यहां लाना है,
मतलब सीधा सा है कि राइट साइड में डेसिमल था, हमें लेफ्ट साइड पे लाना है, और हमें पता है कि जब राइट से लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं हम लोग तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी और डेसिमल इस जगह पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.68 इंटू 10 टू द पावर। कितनी पावर होगी? जितने डिजिट हम लोगों ने क्रॉस किए होंगे। कितने डिजिट क्रॉस किए हैं भाई? 1 और 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस पूरे की जगह हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, 1.68 इंटू 10 टू द पावर 2, और ये देखिए लास्ट में लिख देंगे, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6। ओके स्टूडेंट्स, इतना हो गया। इसके बाद देखिए लिख देंगे 1.68 इंटू 10, यहाँ पर भी है 10, यहाँ पर भी है, सेम बेस है और मल्टीप्लाई कराना है, पावर्स को ऐड कर देंगे, 6 और 2 हो जाएगा 8, तो इसका आंसर हो गया 1.68 इंटू 10 टू द पावर 8। स्टूडेंट्स आप लोग इन स्टेप से परेशान मत होइएगा कि 3 या 4 स्टेप पे आ रहा है, हम आपको एक बिल्कुल आसान सा तरीका भी बताने वाले हैं कि केवल एक स्टेप पे उसका आंसर आएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप लोग ये सारी चीजें अच्छे से समझें। फिफ्थ नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स, वहां पर दिया हुआ है, यहाँ पे नोट करते हैं भाई, फिफ्थ नंबर इस जगह पे हो जाएगा 4, 6, 3। अब जीरो काउंट करते हैं भाई, देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा 463 इंटू 1 के बाद में 10 जीरो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए भाई इसको लिख देंगे 463 इंटू, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10, क्योंकि 1 के बाद जितने जीरो 10 की पावर उतनी ही। अब देखिए 463 आ गया ना, तो बहुत सारे बच्चों को आइडिया भी हो चुका होगा कि हम इसकी जगह क्या राइट कर सकते हैं। जिनको आइडिया हो गया वो तुरंत अभी कमेंट करें, और जिनको आइडिया नहीं हुआ वो मेरे साथ बोर्ड में देखें। ये हमने राइट कर दिया 463। ओके स्टूडेंट्स, हम एक बार समझते हैं कि डेसिमल लास्ट में कंसीडर किया जा सकता है। स्टूडेंट्स हमें इसको लाना है 4 के पास में, यहां पर ले आए स्टूडेंट्स, हम फिर से देखेंगे हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर गए हैं, तो यहां क्या हो गया 4.63 इंटू 10 टू द पावर। हमने क्या देखा, राइट साइड से लेफ्ट साइड आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जानी है, और कितनी पॉजिटिव की पावर होगी, जितने डिजिट्स को हमने क्रॉस किया होगा। तो हमने 1, 2 डिजिट क्रॉस किया, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2, तो ये हो गया स्टूडेंट्स, इसकी जगह राइट कर सकते हैं 4.63 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 10। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी के आगे हम वर्क किए दे रहे हैं, हमने राइट कर दिया 4.63 इंटू 10 टू द पावर, देखिए 10 और 2 हो गया 12, ये हो गया इस पार्ट का आंसर। अब बढ़ते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 6 कह रहा है स्टूडेंट्स 345 इंटू 10 टू द पावर 5। ओके स्टूडेंट्स, अब की बार इसने आधा काम हमें करके दे दिया है, यहाँ 10 टू द पावर 5 उसने पहले से लिख दिया है, तो बस हमें 345 को एडजस्ट करना है। हमने साइड में लिखा 345, लास्ट में डेसिमल कंसीडर किया, और ये हम लेके आ गए 3 के पास में, यहाँ लग जाएगा तो ये बन जाएगा 3.45। और हमें पता है कि स्टूडेंट्स हम लोग डेसिमल को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेकर आ रहे हैं, इसलिए पावर को हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। पावर कितनी पॉजिटिव होगी स्टूडेंट, जितने डिजिट हम लोगों ने क्रॉस किए होंगे, तो 1 और 1 2 डिजिट क्रॉस किए, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर 2, तो लिख देंगे इसको 3.45 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3.45 इंटू 10 टू द पावर 5 और 2 हो जाएगा 7, और यही हो गया इसका आंसर। चलिए स्टूडेंट्स अब सॉल्व करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को, क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट को छोड़ दिया था। ये है 57.36, ये थोड़ा सा स्पेशल था इसलिए मैंने इसको ड्रॉप किया था अभी। ये देखिए 57.36 लिखा हुआ है। हम लोग क्या करते थे कि जब इनमें डेसिमल कहीं नहीं लगा हुआ था, 35 में भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, तो हम लोगों ने लास्ट में उसको कंसिडर कर लिया था। लेकिन जब डेसिमल पहले से ही लगा हुआ है तब हम लोग इसको यहां जबरदस्ती कंसीडर नहीं कर सकते, बस यही बात मुझे बतानी थी कि ऐसा ना करिएगा कि आप यहां से यहां तक उसको बुला लें, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी 7 और 3 के बीच में गिवन है, इसलिए आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। डेसिमल ऑलरेडी यहां पे गिवन है, तो आपको यहां से उठा के यहां लाना है, क्योंकि हमें केवल 1 डिजिट ही छोड़ना है। तो हम लोग इसको जब राइट करेंगे तो हो जाएगा 5.7,
और 3/6 पहले से लिखा हुआ था उसको लिख दिया जाएगा इनटू 10 to the power। अभी भी 10 to the power आएगी भाई, वो कितनी आएगी देखिए, है तो राइट साइड, अगर आपको अभी कंफ्यूजन हो जाए कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो राइट से लेफ्ट, तो तुरंत देखिए ऐसे ऐसे मानी हमने, हम ऐसे खड़े हो गए, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए मेरा राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो देखिए राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव किए कि नहीं किए, तो अगर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो पावर पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव की 1 आ जाएगी, और प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले अगर कोई साइन नहीं है तो हम लोग उसको प्लस का कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 5.736 इंटू 10 to the power 1, और यही हो गया इसका आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 को, लेकिन जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते समय कि एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 1 step में आंसर निकालेंगे, तो अब वही करने जा रहे हैं हम लोग, 1 step में इसका आंसर निकालते हैं। हम जो 1 step में आंसर निकालेंगे स्टूडेंट्स, उसको आपको तभी यूज करना है जब आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन हो, MCQs आए हो, है ना, ऐसे ही आप यूज ना करिएगा, नहीं अगर आपने डायरेक्ट आंसर लिख लिया तो टीचर ये सोच सकते हैं कि आपने कहीं से चीट करके लिखा हुआ है ना, तो आपको वो वहां पे फॉलो नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से देखते हैं भाई, फर्स्ट पार्ट पे आए हम लोग हैं, फर्स्ट पार्ट पे हमने देखा डेसिमल यहाँ पे है ना, हम लोग इसको खिसका किस जगह पे ला रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5.736 इंटू 10 to the power कितना हो जाएगा भाई, 1 digit खिसका के लाए हैं राइट से लेफ्ट में, तो इसकी पावर हो गई 1। सेकंड पे आ गए स्टूडेंट्स, सेकंड पे देखिए हम लोग पॉइंट को लास्ट में कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कहां कंसीडर कर सकते हैं भाई, लास्ट में, और लास्ट में अगर कंसीडर कर सकते हैं इसको, तो हम लोगों को डेसिमल लाना है इस जगह पर 3 और 5 के बीच में, और जब 3 और 5 के बीच में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 3.5 इंटू 10 to the power कितने डिजिट हम लोगों ने क्रॉस कर लिए भाई, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें हो जाएगा 10 to the power 6। आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे, पार्ट नंबर 3 देखिए, यहाँ लास्ट में हमने डेसिमल को कंसीडर कर लिया है, हमें लाना कहाँ है भाई, यहाँ पे। आप लोग एग्जाम में ऐसा एरो मत बना लीजिएगा, अगर आपको समझना है तो ये जैसे हम रफ में करके समझा रहे थे वैसे ही आपको करना है, तो यहाँ पे जब डेसिमल आ जाएगा तो हो जाएगा अपने पास 2.7 और 7 के बाद में ये लिखा है 3, 0 नोट नहीं करेंगे, इनटू हो जाएगा 10 to the power कितना हो जाएगा, कितने डिजिट क्रॉस किए स्टूडेंट्स हम लोगों ने, 1, 2, 3, 4, 5 5 digit क्रॉस किए कि नहीं किए, ये हो जाएगा 10 to the power 5। इसके बाद आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने डेसिमल कंसीडर किया, लास्ट में कंसीडर कर लिया, और हमें डेसिमल को लाना है इस जगह पे 1 और 6 के बीच में, तो ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.68 और सिर्फ 0 बच रहे हैं तो वो इसके आगे एक्सप्रेस नहीं किए जाएंगे, इंटू 10 to the power कितना हो जाएगा, जितने डिजिट हम लोगों ने क्रॉस किए होंगे भाई, राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि पावर पॉजिटिव ही आनी है, ओके कितने डिजिट क्रॉस किए हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये हो जाएगा 10 to the power 8। इसके बाद आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, इसके फिफ्थ पार्ट में देखिए, यहाँ लास्ट में हमने कंसिडर किया डेसिमल को, और अब हमें इसको लेके आना है इस जगह पे 4 और 6 के बीच में, तो हो जाएगा 4.63। अच्छा इसी के बीच में क्यों लेके आते हैं, क्योंकि कंडीशन दे रखी थी स्टैंडर्ड फॉर्म की कि ये वाली जो वैल्यू बननी चाहिए, ये वाली जो वैल्यू है वो 10 से लेस होनी चाहिए, 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर हो सकती है ना, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गए भाई, कितने डिजिट क्रॉस किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 12 डिजिट क्रॉस किए, तो हो जाएगा 10 to the power 12। इसके बाद आ गया सिक्स्थ पार्ट पे, अब सिक्स्थ पार्ट पे देखिएगा स्टूडेंट्स, 5 पावर तो पहले से थी, डेसिमल को हमने यहाँ कंसीडर किया, तो यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे ला रहे हैं, ला रहे नहीं ला रहे भाई, तो ये हो जाएगा 3.45 और 2 डिजिट क्रॉस किए हैं, तो इसका मतलब 10 to the power 2 बनेगी, और 10 to the power 5 यहाँ पे है, तो 2 पावर पहले से 5 पावर ये, तो हो गया 10 to the power 7, ये हो जाएगा स्टूडेंट 10 to the power 7। ओके स्टूडेंट्स, तो देखा इस तरीके से आप लोगों ने बेसिक को जब अच्छे से समझ लिया तो इन सभी के आंसर मुश्किल से 10 seconds या 5 seconds के अंदर अंदर हम लोगों ने निकाल लिए है ना। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए आज कोचिंग क्लासेस के साथ में, आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे स्टूडेंट्स। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वाकई अगर पसंद आई हो, तो वीडियो को शेयर करने में कहीं पे कंजूसी मत करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हम तक जुड़ पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि आज की जो वीडियो थी वो थोड़ा बेसिक में टाइम ज्यादा लग गया। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना और मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए।